हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दालियंस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टर्टल बीच के ईयरबड्स का रिव्यू। रिव्यूज़ तो मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कोई स्पेशल रिव्यू ऐसा नहीं मिला जो कि कोई पबजी प्लेयर हो और वो हमें ये बता सके कि ये हेडफोन्स आपके पबजी की परफॉर्मेंस के लिए कैसे हैं, आपको फुटस्टेप्स के लिए कैसे हैं, और इसका इन गेम कैसा साउंड है, बुलेट्स का साउंड कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि बुलेट्स का साउंड बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका साउंड कम है, इसकी वायर छोटी है। लेकिन जितने भी मोबाइल प्लेयर्स हैं उनके लिए वायर का साइज़ बिल्कुल कंफर्टेबल है। 1 मीटर इसका वायर का साइज़ है, 3.5 mm जैक के साथ आते हैं। और अभी जो इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो इसके डिटैचेबल और या रिमूवेबल जो माइक होता है उसके साथ कर रहा हूँ, और आपको इसकी भी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। और आगे आपको मज़ीद वीडियो के अंदर हम आपको पबजी खेल के भी बताएंगे, लिविक का मैप, उसमें एनिमीज़ का फुटस्टेप कैसे आते हैं वो भी आप लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। और आपको TDM की परफॉर्मेंस कैसी है, TDM पे ये कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें फुटस्टेप्स कैसे आते हैं वो भी आप लोग देख लेंगे। तो अभी हमने ये अनबॉक्सिंग कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमें एक पाउच मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने हेडफोन्स आराम से कैरी कर सकते हैं इसके साथ, और अपना आपके पास अगर स्प्लिटर है तो वो भी आप इसको साथ कैरी कर सकते हैं इस पाउच के अंदर डाल के। तो बॉक्स हमने ओपन किया, बॉक्स में हमें एक तो हेडफोन्स मिले हैं, ये दूसरा डिटैचेबल इसका माइक मिला है, और उसके साथ कुछ टिप्स मिली हैं जो कि हम 3 साइज़ में हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े से बल्की लुक में हैं, लेकिन इट्स ओके अगर आप पबजी लवर हैं या कोई गेम लवर हैं तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसके साथ क्या क्या ऑप्शन है, इन वायर के अंदर, वायर के अंदर ऑप्शन है जी आपके पास, ये सबसे नीचे जो छोटा बटन है ये माइक्रोफोन के लिए है, यहाँ से आप इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ़ कर सकते हैं। बैक साइड पे इसका कॉल्स के लिए बटन है, जहाँ से आप अपनी कॉल रिसीव कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो बटन लगा हुआ है बड़ा वाला, इससे आप वॉल्यूम की इंटेंसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको जितना वॉल्यूम चाहिए होगा आप उस हिसाब से इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि वायर क्वालिटी की बात की जाए तो वायर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बस मीडियम सी है, और कोई इतनी स्पेशल भी नहीं है बंदा कहे कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये है कि मीडियम है, गुजारा करेगी इन पैसों में। इस हिसाब किताब से अगर आप देखें तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये टिप्स हैं इसके साथ में, 3 साइज़ के अंदर है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और बस बॉक्स के अंदर सिर्फ यही आइटम्स थे, और इसके साथ इसका ये मैनुअल दिया हुआ है, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और इसकी हदायत पे अमल करें ना करें वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो चले चलते हैं गेम प्ले की तरफ और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। हेलो हेलो रिश्ते ना उब्रो की माफ करना है, ठीक है। आप
बाद उसने पल के ध्यान पाया जान Marked a location. First point for the red team! Dead! Reloading! Clear! Cover me! Team is unstoppable! Clear! No mercy! Reloading! ओके जी, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और कोई ऐसी चीज़ मुझसे रह गई हो जो मैं ना बता सका हूँ तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ट्राई करूँगा कि सबके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।